हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्निकल नगेट। तो दोस्तों, आज का नगेट चालू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। समझ लो, आपको आपके घर वालों ने बहुत सारे पैसे दिए, बहुत सारे पैसे, और बुलाए, जा बेटा जा कंप्यूटर खरीद के ला। तो आप जाते हो खुशी खुशी। अभी मुंबई में ज्यादातर जो कंप्यूटर परचेज करते हैं लोग, वो है लैमिंगटन रोड, जो कंप्यूटर मार्केट है टोटल। वहाँ पे आप जाते हो, आप हाई एंड ग्राफिक कार्ड लेते हो, आप हाई एंड प्रोसेसर मदरबोर्ड लेते हो, आप SMPS लेते हो, कैबिनेट लेते हो, और एक नॉर्मल सा स्क्रीन लेकर आते हो, नॉर्मल सा। तो अब क्या होता है कि आपका कितना भी अच्छा हाई एंड प्रोसेसिंग पावर हो, ग्राफिक का कितना भी अच्छा बड़ा ग्राफिक कार्ड हो, लेकिन अगर आपका स्क्रीन उस ग्राफिक को सपोर्ट नहीं करता है तो कुछ मतलब नहीं है बॉस, वेस्ट है। ठीक है, तो अब स्क्रीन चूज करने के लिए ये जो नगेट है आज का, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ पर्सन को अगर स्क्रीन परचेस करना है उसके लिए भी है, और हमारे एग्जाम पर्पस CompTia के लिए भी है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा टेक्निकल नगेट। तो दोस्तों, पहले आते हैं CRT मॉनिटर पे। CRT मॉनिटर, ये पहले तुम लोग ने देखा होगा, कोई अगर नए नए बच्चे लोग रहेंगे उन लोग ने ये देखा नहीं है, अच्छी बात है। ये पहले टाइम पे हुआ करते थे, ये बड़े बड़े स्क्रीन्स होते थे, आजकल बहुत कम देखने मिलेंगे और आजकल मैन्युफैक्चर होते ही नहीं है, जो पुराने पड़े होंगे वही पड़े होंगे। इसमें ट्यूब्स होते थे बड़े बड़े, और दूसरी चीज़ इसमें एक इशू आता था बर्निंग का, बर्निंग मतलब इमेज फेड हो जाते थे। और एक चीज़ मुझे याद है, इसका जो VGA होता था वो इनबिल्ड होता था, इंटीग्रेटेड होता था, और बाहर नेक्स्ट साइड पे ये होता था। आजकल VGAबल जो VGA केबल है डिटैचेबल वैसे नहीं आते थे, पोर्टेबल काइंड ऑफ, तो अपना अंदर इंटीग्रेटेड एक साइड होता, दूसरा अगर कभी ख़राब हो गया तो उस पिन को हम शोल्डरिंग किया करते थे, तो वैसा होता था। लेकिन आजकल ये देखने नहीं मिलेगी। आजकल क्या मिलते हैं, LCD डिस्प्ले या फिर LED। ओके, एक चीज़ में बताओ, लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, दोस्त मेरे पास LED डिस्प्ले है। नहीं बॉस, तुम्हारे पास LCD डिस्प्ले है। अब ये क्या है, एक्चुअली डिस्प्ले LED नहीं होता है, डिस्प्ले हमेशा LCD होता है, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसमें बैक लाइटिंग होता है LED का, आज मैंने पढ़ा, चलो डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। अब फंडा कैसे है, पहले जो स्क्रीन्स आते थे वो आते थे पैसिव स्क्रीन्स। पैसिव स्क्रीन लिख देते हैं, पैसिव स्क्रीन आते थे। पैसिव स्क्रीन में कैसा होता था, स्क्रीन्स के ऊपर और साइड में क्या होते थे, ट्रांजिस्टर्स होते थे। अब इन ट्रांजिस्टर्स का काम क्या होता था, बैक लाइटिंग देने का। बैक लाइटिंग देते थे, पावर देते थे, तब जब जाके हमको स्क्रीन में जो दिखाई देता है वही दिखाई देता है। विद स्क्रीन नहीं दिखाई देता, बैक लाइटिंग कंपलसरी। अगर हमको इमेज या हमको मूवी देखना है या हमको गेम खेलना है, स्क्रीन में जो डिस्प्ले आता है वो हमको बैक लाइटिंग के वजह से आता है, तो बैक लाइटिंग था। फिर आए एक्टिव स्क्रीन्स। अभी एक्टिव स्क्रीन का फंडा क्या है, ओके आई भूल गया लिख दिया, एक्टिव स्क्रीन क्या है, अभी एक्टिव स्क्रीन में आए बैक लाइटिंग के साथ फ्लोरेसेंट गैसेस एंड LED। फ्लोरेसेंट गैसेस से LED ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और LED ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि LED रहेगा पावर कम कंज्यूम होगा, और LED कंपैरेटिवली पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा देता है। अभी एक्टिव स्क्रीन में दो फंडे आते हैं, दो टाइप के स्क्रीन आते हैं, एक होता है TN और एक है IPS। TN स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड डायनामिक, एंड IPS stands for in plane switching। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, TN IPS भी बोलोगे तो चलेगा। अब IPS is more expensive and newer technology than TN, और अच्छा ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी वो देता है। अब इधर एक स्क्रीन है जो एप्पल का iMac है, तो अभी इसको देखेंगे, ये रेटिना 5K डिस्प्ले के साथ है। 5K मतलब बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन हो गया, जो मेरा भी नहीं है और मैं शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, इसका जो डायगनल है वो है 27 इंच का स्क्रीन साइज़ है। 27 इंच जो डायगनली मेजर होता है वो स्क्रीन साइज़ है। अभी देखो कि ये स्क्रीन साइज़ की बात कर रहा हूँ, नॉट दिस बेजल्स, ये नहीं इंक्लूड कर रहा है स्क्रीन साइज। अभी आजकल के स्क्रीन में ये बेजल्स नहीं आते ज़्यादातर। अभी इसमें बेजल्स क्यों है, क्योंकि ये ऑल इन वन PC है, इसके अंदर ही मदरबोर्ड है, इसके अंदर ही रैम है, इसके अंदर ही प्रोसेसर है, तो ये ऑल इन वन है, तो ये जो भी बेजल्स है वहाँ पे वो सब सिचुएटेड रहेगा, वहाँ पे सब इंटीग्रेटेड रहेगा। तो आजकल के स्क्रीन्स क्या आते हैं, विदाउट बेजल्स आते हैं, लेकिन ये जो साइज होता है वो स्क्रीन का होता है, जो एक्चुअल स्क्रीन का साइज 27 इंच। अब ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, IPS टेक्नोलॉजी है। जैसे मैंने बोला, IPS कंपेयर टू TN एक्सपेंसिव होता है, और जो मैक खरीद रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एप्पल तो महंगा ही होता है बस। अब दूसरा, इसका रेजोल्यूशन दिया हुआ है 5120x2880। रेजोल्यूशन इज इक्वल टू पिक्सल, मतलब जितना रेजोल्यूशन, एवरी सिंगल नंबर इज इक्वल टू 1 पिक्सल,
जितने ज़्यादा पिक्सल उतना ज़्यादा पिक्चर अच्छा क्वालिटी और उतना ज़्यादा क्लियरिटी देगा, सब कुछ देगा। अब एक चीज़ क्या हो जाता है, ज़्यादा पिक्सल्स होने की वजह से अगर आप लो पिक्चर क्वालिटी का फ़ोटो देख रहे हो तो वो फटने लगता है। समझ लो ये है 5K और आप देख रहे हो 480p का फ़ोटो देख रहे हो, आपने फुल स्क्रीन किया तो वो एकदम फटने लगेगा ओपन में। तो एक यही आता है ड्रॉबैक। एक और चीज़ क्या होता है, जितना आप पिक्सल बनाते हो उतनी चीज़ें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है दिखने के लिए स्क्रीन में। उसके लिए विंडोज़ ने एक ऑप्शन दिया है कि वो कैसा होगा, तो मैं वो आगे बताऊँगा। ओके फाइन। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी आगे बढ़ने वाली चीज़ ये है, रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम। अब ये क्या होता है, अभी स्क्रीन में एक होता है रिफ्रेश रेट। स्क्रीन खरीदने के लिए सिर्फ देखकर खरीदना नहीं होता है भाई, देखने में अच्छा है तो ले लो, ऐसा नहीं होता है। स्क्रीन में कुछ चीज़ें होती है, जैसे अभी मैंने एक बता दिया TN है और IPS है, LED लेना है, कम पावर कंज्यूम करेगा। अब उसमें और क्या देखना है, उसमें ये देखना है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है, तुम्हारा स्क्रीन कितने टाइम में रिफ्रेश करेगा, कितने फटक से रिफ्रेश करेगा। तो जो रिफ्रेश रेट ज़्यादा हुआ तो तुम्हारा रिफ्रेश जल्दी होगा, वैसा फंडा है थोड़ा। तो ये जो मैंने रेड में दिया मार्केट में, ये कॉमनली मिलने वाले रिफ्रेश रेट है, और ये भी रिफ्रेश रेट मिलता है लेकिन ये बहुत रेयर स्क्रीन्स में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा नॉर्मल ऑफिस यूज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं 60Hz का रिफ्रेश रेट, गेमिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं 144 या 240। मेरा खुद का जो PC है दैट इज़ 144Hz का, 240 कुछ ज़्यादा हो जाता है, कंपेयर टू ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और ये भी रिफ्रेश रेट तुमको मिलते हैं तो ज़्यादा जल्दी रिफ्रेश करेगा कोई भी चीज़। अब एक और होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मतलब तुम्हारा स्क्रीन कितना जल्दी रिस्पॉन्स देगा। तो एक होता है 5 मिलीसेकंड्स का, एक होता है 4 मिलीसेकंड्स का, एक होता है 1 मिलीसेकंड्स का। तो ज़्यादातर गेमर्स गो फॉर 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, जो यहाँ पे है। मेरा स्क्रीन भी खुद 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स। अभी मैं बोल रहा गेमर्स, हाँ मैं गेम खेलता हूँ यार, लेकिन मैं उतना बड़ा गेमर नहीं हूँ। ओके, अब ये होता है रिफ्रेश रेट, कितना फास्ट रिफ्रेश करेगा। अगर किसी को खेलना है गेम्स के लिए लेना, मिनिमम 144Hz का रिफ्रेश रेट का लो, और 1 मिलीसेकंड्स का रिस्पॉन्स टाइम का लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं, दूसरे आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से और कौन सी स्क्रीन्स है। एक है OLED। OLED क्या है, ये एक स्क्रीन है जिसमें बैकलाइटिंग नहीं होता है दोस्त, ये बैकलाइटिंग नहीं करता है। ये स्क्रीन पावर कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बैकलाइटिंग होता है, इसमें बैकलाइटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसका पिक्चर क्वालिटी कंपेयर टू LCD स्क्रीन्स अच्छा है, जिसमें LED का बैकलाइटिंग हो रहा है, और ये और एक्सपेंसिव आता है, और इसका पिक्चर क्वालिटी और अच्छा है। अभी मैंने देखा है OLED स्क्रीन्स है जिसमें 0.1 ms का भी रिस्पॉन्स टाइम्स की भी स्क्रीन मिलता है, मतलब और कम हो गया यार। 1 ms कहाँ पे, 0.1 ms कहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो स्क्रीन से पहले आते थे TVs में, आजकल तुमको PCs में देखने मिलेंगे, लेकिन जो दूसरा स्क्रीन है प्लाज्मा, ये TV मिल रहा है आजकल, PC स्क्रीन्स मॉनिटर्स आपको देखने नहीं मिलेगा। और इसका बैक लाइटिंग जो होता है वो होता है आइनाइट गैसेस से। आइनाइट गैसेस यूज़ करते हैं बैक लाइटिंग के लिए प्लाज्मा के लिए, जो अभी तक मॉनिटर में आया नहीं है। इसका जो व्यूइंग एंगल होता है वाइड एंगल है, मतलब मैं कहीं से भी देखूं मुझे वैसे ही दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे स्क्रीन्स में ऐसा इश्यू होता है, अगर आप साइड में जाओ तो आपको चीज़ें डार्क दिखाई देने लगती है, स्ट्रेट एंगल में आपको क्लियर दिखती है। तो प्लाज्मा का एक एडवांटेज, आप कोई भी वाइड एंगल है, कोई भी एंगल से देखो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एंगल्स में देखोगे आपको पिक्चर वैसे ही दिखाई देगा जैसे आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो OLED है, प्लाज्मा है, ये सब स्क्रीन्स है जो अभी मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आ जाता हूँ, पोर्ट्स के ऊपर कौन से डिस्प्ले पोर्ट्स है। तो ये एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का बैक एंड है। अभी इसमें सब कुछ काम का नहीं है, मेरे काम का से दो चीज़ है, ये है VGA जो एनालॉग सिग्नल है, ये है HDMI जो डिजिटल सिग्नल है। और दूसरी चीज़, HDMI का पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ले रहे हो स्क्रीन्स तो आप ज़्यादातर देखोगे तो उसमें देखो HDMI पोर्ट हो, VGA पोर्ट का इतना अच्छा पिक्चर क्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर आपके बजट में नहीं है तो आप ले लो। लेकिन ग्राफिक कार्ड्स आजकल जो भी नए आ रहे हैं उसमें VGA पोर्ट्स को निकाल दिया गया है, ज़्यादातर तो लोग HDMI पोर्ट रखते हैं या फिर DP डिस्प्ले पोर्ट रखते हैं। DP पोर्ट सेम पिक्चर क्वालिटी देता है HDMI की तरह, लेकिन HDMI का एडवांटेज ये है, HDMI साउंड भी ट्रैवल करता है, सिर्फ वीडियो या पिक्चर नहीं करता है। ओके, और एक पोर्ट होता था DVI, ये भी इमेज क्वालिटी देता है, ये भी डिजिटल पोर्ट है। मेरे पास कुछ स्क्रीन्स पड़े हैं जो DVI पोर्ट को सपोर्ट करते हैं, और मेरे पास कोई एक ग्राफिक कार्ड भी पड़ा है जिसमें DVI पोर्ट है। ओके, तो अब ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं लास्ट चीज़ में बताऊँ, वो है एस्पेक्ट रेशियो। अब एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने रिफ्रेश रेट बोल दिया, रेजोल्यूशन बोल दिया, हमने
रिस्पॉन्स टाइम बोल दिया, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्ट रेशियो। अभी एक्सपेक्ट रेशियो समझ लो कितना वाइड एंगल, जितना वाइड होना चाहिए तुम्हारा स्क्रीन। तो पहले जो बॉक्स स्क्रीन आते थे उसमें एक्सपेक्ट रेशियो यूज होता था 4:3, प्रॉपर रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप। फिर 2006 में आया 16:10, अच्छा होता था। फिर आया 2010 में 16:9, तो ये जो वाइड जो है इसका रेशियो वो यूज़ होता है अभी 16:9 का, ज़्यादातर तो लोग ये यूज़ करते हैं और इसमें आपका जो रेजोल्यूशन है प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन लोगों की इच्छा होती है, ज़्यादा लोग नहीं चाहते 4:3, लेकिन दे चूज बिटवीन 16:10 और 16:9। लेकिन आजकल की सब स्क्रीन में आपको 16:9 और 16:10 सब लुक्स कुछ मिलेगा। अभी लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँ, दैट इज़ प्राइवेसी एंटी ग्लेयर शीट। ये कोई फंडा स्क्रीन में नहीं होता है, ये आप अलग से लगा सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक शीट है जैसे मोबाइल में होता है ना स्क्रैच गार्ड, वैसे टेम्पर्ड ग्लास होता है, वैसे आप एक स्क्रीन पे गार्ड लगा सकते हो। जो क्या करता है, अगर आपको प्राइवेसी काम कर रहे हो, कोई साइड से बैठा है आपके उसको दिखाई नहीं देगा, तो वो चीज़ें इतनी स्ट्रेट एंगल फोकस कर देता है कि साइड वाले को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो प्राइवेसी के लिए तो ऐसे गार्ड आते हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो चलो थियोरिटिकल मैंने ये चीज़ बता दी, थोड़ा प्रैक्टिकली मैं एक्चुअली दिखाता हूँ कि ये कैसा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने ओपन किया है एक पेज, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो डिस्प्ले के अंदर जो तुम्हारे सेटिंग्स में विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे दो स्क्रीन दिखा रहा है। अभी मैंने दो स्क्रीन को अटैच किया है इस वजह से दो स्क्रीन दिखा रहा है। अगर मैं आइडेंटिफाई करूँगा तो वो बताएगा ये मेरा फर्स्ट स्क्रीन है, और मेरे दूसरे स्क्रीन में वो 2 नंबर दिखाएगा जहाँ पे मुझे पता चलेगा वो मेरा सेकेंड स्क्रीन है। दूसरी चीज़ नाइट लाइट, मैं कर सकता हूँ कि मुझे थोड़ा कम ब्राइटनेस चाहिए रहेगा, वो टाइम सेट कर सकता हूँ, जो भी है नॉट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैं बात करता हूँ रेजोल्यूशन की, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 8:600 से लेके रेजोल्यूशन है। मेरा रिकमेंडेड रेजोल्यूशन है दैट इज़ 1920x1080p, दैट इज़ फुल HD। तो ये रिकमेंडेड है, मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये रिकमेंडेड है तो उसमें मेरा बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मुझे मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। लैंडस्केप में अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो स्क्रीन है वो फ्लिप हो सकता है, तो उसके लिए मैं पोर्ट्रेट, अगर मुझे कुछ लॉन्ग डॉक्यूमेंट यूज़ करना है मैं पोर्ट्रेट करके मैं पढ़ सकता हूँ। ओके, अब तीसरी चीज़ होती है मल्टीपल स्क्रीन, कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक ही स्क्रीन शो करना है, मुझे दूसरा स्क्रीन शो करना है, मुझे डुप्लीकेट करना है दोनों में सेम, या मैं एक्सटेंड। तो एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पे एक अलग स्क्रीन की तरह काम करेगा, वहाँ पे एक अलग स्क्रीन की तरह काम करेगा, तो वो चीज़ है। तीसरी मैं चीज़ बताऊँ, यहाँ पे अगर देखोगे दैट इज़ लेआउट। अगर मेरे को ज़्यादा छोटी दिख रही चीज़ है, मुझको लेआउट बढ़ाना है, जूम इन करना है, तो मैं अलग अलग लेआउट चूज़ कर सकता हूँ। अभी नॉर्मल है फॉन्ट साइज सब कुछ, इमेज ऐप साइज, तो नॉर्मल 100% पे चल रहा है। अब अभी मैं दिखाऊँ यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर में जाके मैं एक चीज़ बता रहा हूँ मेरा ग्राफिक के बारे में। नाउ आई एम यूजिंग GTX 1060 6GB का ग्राफिक कार्ड, और यहाँ पे एक चीज़ होता है ड्राइवर्स के अंदर, अपडेट ड्राइवर, रोल बैक ड्राइवर तो अभी है नहीं, अपडेट किया नहीं है, तो मैं बैक टू जो पुराने वर्जन भी जा सकता हूँ। और दूसरा है डिसेबल दिस डिवाइस, नहीं यूज़ करना, अनइंस्टॉल। तो मैं चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ, ड्राइवर डिटेल्स चाहे तो देख सकता हूँ, और ये सब चीज़ें हैं तो आप ये भी देख सकते हो। तो अभी क्या हो गया पता नहीं, दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं चेक कर सकता हूँ। तो फाइनली दोस्तों समरी में क्या क्या देखा, स्क्रीन्स देखा, LCD स्क्रीन देखा विद बैक लाइटिंग, फ्लोरेसेंट एंड LED। फिर बाद में हम लोग ने OLED देखा, प्लाज्मा देखा। OLED में बैक लाइटिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, प्लाज्मा में आयनाइड गैसेस यूज होता है बैक लाइटिंग के लिए। दूसरा हम लोग ने रिफ्रेश रेट देखा, रिस्पांस टाइम देखा, हम लोग ने एक्सपेक्ट रेशियो देखा, ये सब चीज़ें हैं। हम लोग ने दो टाइप के स्क्रीन देखे, TN एंड IPS स्क्रीन्स। ओके, जो आपको परवर है, जो आपको अफोर्डेबल रहेगा वो आप चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज के नगेट में इतना ही, अगर नगेट पसंद आया तो प्लीज़ नगेट को लाइक करो। दूसरी चीज़, ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हो और भी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में डालो। मुझे पता है मैं A+ के वीडियोस बहुत कम बना रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा। अगर आपको चाहिए कि और A+ के वीडियोस आए तो नीचे कमेंट में डालो, मुझे बताओ, मुझे चाहिए A+ के वीडियो। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करो, ज्ञान बांटना चाहिए, और घंटी बजाना मत भूलना। थैंक यू।